हे दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम यहाँ पर से कैसे पेटीएम एप्लीकेशन के जरिए फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना क्रेडिट स्कोर होगा देन वो बेस्ट माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, देन आप इस वीडियोस को स्टार्टिंग टू एंडिंग तक पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पेटीएम एप्लीकेशन को ऑन करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पेटीएम एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो उसे ऑन कर दीजिए, अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके भी यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं। तो पेटीएम एप्लीकेशन पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ऑन कर देना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको जो है ना ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। और ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, जहां पर लिख कर क्या आ रहा है, लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स, जहां पर आपको लोन एंड क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ पर एक फीचर है फ्री क्रेडिट कार्ड स्कोर। तो आपको जो इस पर क्लिक कर देना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट करेगा फ्री क्रेडिट कार्ड स्कोर के पेज पर। जैसे आप इस पेज पर आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा रहा है नो योर स्कोर इंस्टेंटली, यानी कि आप यहाँ पर इंस्टेंटली कुछ इंफॉर्मेशन डाल करके आप अपना क्रेडिट कार्ड फ्री में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। जब भी हम यहाँ पर पेटीएम पर अपना केवाईसी करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप किसी अदर पर्सन का यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको उसका यहाँ पर नाम इंटर कर देना है। नाम इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको चेकबॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है चेक क्रेडिट स्कोर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछ रहा है आपका पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। इसी के बाद में यहाँ पर आपका आपका ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप अपना पैन नंबर इंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पैन नंबर पे जो भी आपका फुल नेम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच कर लेगा। तो यहाँ पर हमने अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको चेक क्रेडिट स्कोर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे आपका जेंडर पूछ रहा है, यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको पिन कोड इंटर करने के लिए बोल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो वाला पिन कोड यहाँ पर इंटर करना है जो पिन कोड आपने यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त जो आपने एड्रेस दिया होगा उस पर जो पिन कोड आपने दिया होगा वही पिन कोड यहाँ पर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है कुड नॉट गेट योर क्रेडिट स्कोर, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पर कोई भी क्रेडिट स्कोर यहाँ पर हमें नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि अब तक हमने यहाँ पर कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है, कहीं से भी लोन नहीं लिया है और ना ही हमने यहाँ पर कोई पोस्टपेड जैसी एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर अब तक तो यूज किया है। तो दोस्तों अब तक हमने यहाँ पर कोई भी लोन फैसिलिटीज को यूज नहीं किया, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर हमारा अब तक कोई भी यहाँ पर क्रेडिट स्कोर यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपने यहाँ पर कोई भी लोन लिया होगा या फिर ईएमआई पर फोन लिया होगा, तो कुछ भी अगर ऐसी एक्टिविटीज अगर आपने की होगी तो यहाँ पर आपका कोई भी स्कोर यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप इजीली फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ पर पेटीएम एप्लीकेशन के जरिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कितना क्रेडिट स्कोर होगा देन यहाँ पर बेस्ट माना जाता है। नॉर्मली दोस्तों जो क्रेडिट स्कोर यहाँ पर होता है वो 300 से 900 के बीच में होता है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर यहाँ पर 900 से 800 के बीच में अगर आता है तो वो एक्सेलेंट क्रेडिट स्कोर माना जाता है, जहां पर आपको लोन मिलने के जो चांसेस है दोस्तों वो 99.99% तक चांस हो जाते हैं, जहां पर आपको फटाफट लोन मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 799 to 740 के बीच में आता है तो वो बेस्ट क्रेडिट स्कोर माना जाता है, जहां पर आपको क्रेडिट
जहाँ पर से आपको लोन मिलने का जो चांस है वो 95% तक बढ़ जाता है। वहीं पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 739 टू 670 के बीच में है, तो वो क्रेडिट स्कोर जहाँ पर से अच्छा माना जाता है, जहाँ पर से आपके जो चांस है लोन मिलने के वो 80% तक यहाँ पर बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 669 टू 580 के बीच में है, तो वो ठीक ठीक माना जाता है क्रेडिट स्कोर, जहाँ पर से आपको लोन मिलने का जो चांस है वो 60% तक बढ़ जाते हैं। और लास्ट यहाँ पर आता है 579 टू 300 के बीच में, तो ये खराब क्रेडिट स्कोर माना जाता है, जहाँ पर से यहाँ पर आपको लोन मिलने का जो चांस है वो 50% होता है, यानी कि आपको लोन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि ये क्रेडिट स्कोर यहाँ पर सबसे खराब माना जाता है, जहाँ पर से लोन मिलना तो आपको बहुत दूर की बात होती है, यहाँ पर आपका नसीब ही काम करता है कि यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा तो मिल गया था, अदरवाइज यहाँ पर काफी सारे लोगों का जो लोन है यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। देन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हम यहाँ पर से कैसे फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ पर से पेटीएम पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर ये भी देखा कि कितना क्रेडिट स्कोर होगा देन हमें यहाँ पर जो लोन या फिर से क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आज के इस वीडियो से आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है दोस्तों, देन आप यहाँ पर बेझिझक आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो से अगर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। देन दोस्तों मिलते फिर ऐसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, टेक केयर, बाय बाय।